Very good evening. So here we are trying to make this chapter number 3, Atoms and Molecules, examination friendly. So those who have upcoming their exams, the syllabus of this chapter, just follow how to prepare this chapter. Kis tarah se hum is chapter ki taiyari kare, so that we feel a bit comfortable, achhe se ho jaye, and all like that. Chapter ka naam hai Atoms and Molecules. Atoms and मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे ये बंदा एक एटम है, राइट? और जब दो ऑक्सीजन आपस में मिले तो हम कह देंगे दिस इज वन मॉलिक्यूल, राइट, ऑफ डाई एटम। दो एटम को मिलकर एक मॉलिक्यूल बना ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, हमें तो 20 का फर्स्ट 20 एटलीस्ट फॉर ग्रेड 8 9 10 वी शुड से फर्स्ट 20 एलिमेंट का हमें पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक स्टेबल कहते हैं इसीलिए क्योंकि उतने ही आपको इवॉल्व करते हुए मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह बार बार एक वर्ड सुनाई देता है साथ में, मास नंबर, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ओके, तो जिस ऑर्डर में आप याद करते हो वही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम 11 नंबर, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन हम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जिस ऑर्डर में लिखा वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में आप पहली बार फॉर्मूला बनाना सीखोगे, तो एटलीस्ट 20 का एटॉमिक नंबर जब पता चलता है तो इससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाता है फॉर ग्रेड 9th एंड 10th। आई एम रिपीटिंग दिस, जैसे इसमें क्या है, अब आपको इस नॉलेज पे हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन डिफरेंट सेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डिफरेंट एनर्जी सेल। पहला का नाम रखा गया है के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन फॉर 9th एंड 10th रिपीट। और एक बंदे ने एक फॉर्मूला दिया कि हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, वो फॉर्मूला है 2n2, वेयर एन को आप 9th के नॉलेज के हिसाब से सिंपल नेचुरल नंबर फिलहाल मान लो। तो जब आप के घर में जाना चाहते हो तो आप तुरंत एन को 1 दे दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो के अंदर कोई तुमसे पूछे कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका आंसर होगा 2। एल के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका आंसर होगा 8। M के अंदर कितना आएगा तो आपका आंसर होगा 18 और N के अंदर कितना आएगा तो आपका आंसर होगा 32 electrons at the most, ठीक है? Okay. So, अगर हम इनको इलेक्ट्रॉनिक सेल में बांटे तो हाइड्रोजन पहला घर में रहेगा, हीलियम भी पहला घर में ही रहेगा, और सिंस के सेल की दो ही ऑक्युपेंसी है और दोनों है, इसीलिए हम हीलियम को बोल देते हैं इनर्ट गैस।
तीन नंबर पे लिथियम है, पहला में दो आया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया। उसी तरह आप चार को क्या लिख सकते हो, 2.2, पांच को क्या लिख सकते हो, 2.3, छह को क्या लिख सकते हो, 2.4, सात को क्या लिख सकते हो, 2.5, आठ को क्या लिख सकते हो, 2.6, दिस इज 2.7। अगेन यहाँ आके रुक जाओ क्योंकि आपने सेकेंड सेल को भी आठ पहुंचा दिया, तो ये बंदा भी हो गया इनर्ट गैस। इस तरह से आपको एटलीस्ट इनर्ट गैस पहचानना पता चला। 11 को तोड़ोगे तो 281, 12 को तोड़ोगे तो 282, 13 को तोड़ोगे तो 283, then you have 284, then you have 285, 286, this is 287, again, यहां रुकना, क्योंकि 8 एक स्टेबल कंडीशन कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है, तो आर्गन का थर्ड घर में भी 8 आ गया, इसलिए ये बंदा भी हो गया एक इनएक्टिव और इनर्ट गैस। What is your 19? Now 288. अब क्वेश्चन आता है कि सर थर्ड घर में आपने बताया 18 आ सकता है, तो आप 8 में क्यों रुके? तो 8 एक स्टेबल है फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, तो ये चला जाएगा नेक्स्ट सेल में और उसी लिए लास्ट। जब हम अब वो प्रिंसिपल ऑफ 11th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तब इनका कॉन्फ़िगरेशन SPTF ऑर्बिटल के थ्रू कराया जाता है, दैट गेट्स मोर क्लियर फॉर योर नॉलेज। राइट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आवर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन दिस वे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेल डायग्राम, द नेम्स आर KL, MN, N इज 1, 2, 3, 4। जैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो 20 में, तो अब आपको आइडिया लग जाता है दो और टर्म्स का जो कि आपसे 9th में 8th में पूछते रहते हैं। सो वन विल बी नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। सो फॉर मेटल इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेंजेस फ्रॉम 1 to 3, फॉर नॉन मेटल इट विल बी 4 to 7। Hydrogen never considered as metal by seeing this. Please be watchful. Or helium का valence electron 2 है definitely, but वो metal नहीं है क्योंकि K cell में maximum 2 ही आ सकता है, इसलिए inert gas है। Non-metal 4 to 7 है। तो valence electron को देखकर एक 9th का बच्चा metal, non-metal और inert gas पहचानना सीख लेता है। इसके बाद आता है सर व्हाट इज वैलेंसी। इट इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अटेन द nearest inert gas configuration. So for metal जो भी उसका valence electron होगा वही उसका valency होगा, and for non-metal जो टू फाइंड वैलेंसी यू हैव टू सिंपली डू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट गैस की कोई वैलेंसी पूछे इनर्ट गैस की, तो उसकी वैलेंसी होगी 0,
क्योंकि वो ना तो लेगा ना देगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है, इनर्ट है, ठीक है। ओके नाउ एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं आपके साथ अगर बुक शेयर करूं, देख सकते हो आपका पहला पेज है ये एनसीईआरटी का, जहां पर एक बंदा था लेबोसियर, उसने केमिकल साइंस एंड उसने टू इंपॉर्टेंट लॉज दिया केमिकल कॉम्बिनेशन का। द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड ही हैज टेकन फ्यू एग्जांपल्स, समटाइम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एंड while forming the example, while forming this experiment, he observed that mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. That is, the total mass of the reactant should be equals to total mass of the product in a balanced chemical reaction. I repeat, balanced. हालांकि आप balance ही 10th में करोगे, और वैसे 7th 8th में भी आपने किया है, लेकिन छोटा सा knowledge, जैसे H2 gaseous state plus O2 gaseous state, under normal scenario it's liquid, right? क्या ये अभी balanced है? कैसे देखते हैं? तो बहुत सिंपल सा तरीका, अगर छोटा सा गाइडलाइन देखें, LHS RHS, हाइड्रोजन how many atoms in LHS? 2 RHS 2, oxygen 2, oxygen 1. तो oxygen is not balanced, तो इधर भी 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी कितना हो गया? 2, agreed? लेकिन आप कभी भी इसको कहते हैं नॉलेज के लिए सब एटॉमिक, और यू कैन से सब स्क्रिप्ट, और इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का नंबर कभी चेंज मत करना। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 चाहिए तो यहाँ 2 लगा दे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ लगा दिया, इस बंदे की आइडेंटिटी खो जाएगी, ये पानी की जगह गैस बन जाएगा, पर ऑक्साइड। सो सब स्क्रिप्ट नंबर विल नेवर बी चेंज। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। सो अब आपने जब यहाँ पर 1:2 किया, राइट, टू मेंटेन दिस, तो ये 2 इस पूरे के लिए यहाँ लगाया। अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 4, क्योंकि ये 2 पूरे के लिए, एग्री, पूरे के लिए, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन अभी कितना है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करोगे? अब चेक कर लो सब बैलेंस्ड है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 इज देयर, 2 टू जा 4, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू जा 32, तो इस तरफ कितना हो गया? उधर देखते हैं, 2 को बाहर रखना, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, ये भी। सो अंडर बैलेंस कंडीशन यू कैन ऑब्जर्व, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसका पहला लॉ आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज ड्यूरिंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एनर्जी मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओके, एंड यू कैन पुट अप दिस एग्जाम, ठीक है। दूसरा लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Law of constant proportion बोलता है, according to this law, that compound is formed, okay, when two or more elements combine together, they form compounds, and these compounds once formed, they have a fixed proportion of every element combined together in a fixed proportion by weight. जैसे अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हो, सोर्स कुछ भी ले लो, रेन वाटर, हैंडपंप, वेल वाटर, और अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो इट इज ऑब्जर्व दैट अप्रोक्सीमेटली 89 ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू कंबाइन विद 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
ये फिक्स है, यानी कि रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 8:1। ये पानी कहीं से भी ले लिया गया था, इनका रेशियो नियरली सेम आया था। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, और इन दोनों लॉ को कंबाइंडली कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन डायरेक्टली आस्क यू हु प्रपोज दिस, स्टेट दिस लॉ, केमिस्ट्री नेवर, राइट? ओनली द लैंग्वेज मस्ट सपोर्ट इफ देयर इज एन इक्वेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स अवेलेबल टू यू। क्लियर? ओके, so to make it more easy, I'm sharing one of the visualized video on law of conservation of mass. So kindly just observe this. This is going to make the things all simpler aapke liye, right? Experiment backed bahut sare information hai, लेकिन जब इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत हुई थी, उस समय ये उतना आसान नहीं था। क्यों उतना आसान नहीं था? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ जाएंगे। आप एक वेइंग मशीन ले, इस वेइंग मशीन में कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल दे और इसका वेट देखे ध्यान से। अब क्या करें, आप इनमें आग लगा दें, तो आग लगते साथ ये आग जो जलते जाएगा धीरे 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 धीरे, आप ये देखेंगे ये रीडिंग घटते जाएगा। दैट मीन वेट कम होते जाएगा, क्योंकि यहां से मास कम होगा, और जलते 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 एट लास्ट ये राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, और इसका वेट काफी कम हो जाएगा, मतलब कि मास कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा लग सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है, मास कम हो सकता है, कभी कभार मास बढ़ जाए। तो यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा था कि लकड़ी, कुछ लकड़ी के टुकड़े थे, इसका एक वेट था, हमने इस पे आग लगा दिया, ये राख बन गया, केमिकल रिएक्शन के बाद ये राख बन गया, ऐश बन गया, और इसका वेट कम हो गया, मतलब हम समझ सकते हैं इसका मास कम हो गया। तो ऐसा हमें लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है। पर अगर आप डीपली देखें, यहां पर आज का जो नॉलेज है उसे अगर आप यूज करें, तो आप ये पाएंगे यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन के दौरान बहुत कुछ हो रहा है। यहां पर जब लकड़ी में आग लगाया जाता है, तो यहां आसपास के एटमॉस्फेयर में आसपास के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर आता है, और यहां से कार्बन एटम लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनके, ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है तो वो यहां से चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार एक ऑक्सीजन एटम आता है, लकड़ी में बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं, बहुत सारे, सारे लिविंग बींग्स में बहुत सारा कार्बन होता है। तो एक कार्बन एटम यहां से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और चला जाता है, और ये प्रोसेस चलते जाता है, जब तक ये आग जलता है, बहुत बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आता है, यहां से एक एक कार्बन एटम को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और चला जाता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां से अगर कार्बन का एटम एक 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 करते हुए अगर चले जाए, तो ऑब्वियसली मास तो कम होना ही है ना। तो इसीलिए यहां से मास कम होता है, जो हमें लगता है ना कि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है, तो इसका पीछे, इसके पीछे का जो रीजन है, वो रीजन यही है कि केमिकल रिएक्शन में यहां से एटम बाहर निकल जाता है, रिएक्शन होता है, दूसरा कुछ कंपाउंड बनता है, और वो वहां से चला जाता है। कभी कभार हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल आए, इसके साथ रिएक्ट करे और यहीं पर रह जाए, तो फिर उस केस में मास बढ़ जाएगा फिर केमिकल रिएक्शन के बाद। तो अगर हम किसी तरह से ये जो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का चले जाना, ये जो यहां इसे कार्बन को लेके ये जो चले जा रहा है, इस चले जाने को अगर हम किसी तरह से रोक सके, जैसे मान ले कि अगर हम इन लकड़ी के टुकड़ों को एक कांच के जार के अंदर भरते और इसमें आग लगा के ढक्कन को बंद कर दे, तो फिर क्या होगा आप सोचे? तो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो लकड़ी के साथ रिएक्ट करेगा, लकड़ी के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो अंदर से ही आएगा, यहीं से आएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वो अंदर ही रह जाएगा, मतलब छोड़ के कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसे केस में आप ये पाएंगे कि इस वेइंग मशीन का रीडिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन 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 इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम है,
कि जब लकड़ी के टुकड़ों को हम इस तरह से किसी जार में भर देते हैं और जार को बंद कर देते हैं, अगर हम आग लगाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो ये लकड़ी जो है ये ज्यादा देर जलेगा नहीं, क्योंकि इसे पूरी तरह से जलने के लिए, पूरी तरह से क्या, थोड़ा बहुत भी जलने के लिए जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन इस जार के अंदर होगा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे केस में आप आग लगा दे और ढक्कन को बंद कर दे, ये तुरंत बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहां अवेलेबल है ये तुरंत रिएक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां से खत्म हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है यहां रिएक्शन भी, सोडियम कार्बोनेट जिसे कि वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और दूसरा है कॉपर सल्फेट। अब आप क्या करें, एक कैनोनिकल फ्लास्क लें। इस कैनोनिक The colors are also important, but that is for grade 10. Copper sulfate is blue crystals when sodium carbon. So basically, what is trying to guide us that yeah, definitely that they are conserved as we are observing, right? Exact definition of a law of constant proportion is that in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. In a compound, this is water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 wherever the source of water has been taken. Thus, if 9 gram of water is decomposed, be careful, okay? You will get 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, it's NH3, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio. NH3, nitrogen has an atomic mass of 14, hydrogen 1, 3 hydrogen hai to 3. So this is what the two laws are there. You must know as a theory paper. There comes then Dalton's postulates. ये question exam में आएगा बहुत बार, और question कैसा बनता है कि Dalton's के वो postulates identify करो जो बाद में गलत साबित हुए और वो गलत क्यों हुए, right? So let's we find out the answers which are wrong and why. So here, as you can see, we are showing now the postulates of Dalton's atomic theory, which are the main postulates and which were discarded. Drawbacks, that is. Of matter. All the matter is made up of very small particles called atoms. Atoms cannot be divided. Atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms are of various kinds. There are as many kinds of atoms as elements. All the atoms of a given element are identical in every respect, having the same mass, size, and chemical properties. Atoms of different elements differ in mass, size, and chemical properties. Chemical combination between two or more elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds. The number and kind of atoms in a given compound is fixed. During chemical combination, atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. Atoms of same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound. Drawbacks of Dalton's atomic theory of matter. One of the major drawbacks of Dalton's atomic theory of matter is that atoms were thought to be indivisible, which cannot be divided. We now know that under special circumstances, atoms can further be divided into smaller particles called electrons, protons, and neutrons. So, atoms are themselves made up of three particles, electrons, protons. They may ask you one more question in a theory paper that differentiate between the three subatomic particles of atom. Aapse electron, proton or neutron ka 2-3 differences puch sakta hai. Electrons negative, protons positive, neutrons no charge. Electrons lives in the nucleus, protons resides inside the nucleus, neutrons also inside the nucleus, whereas electrons revolve around the nucleus.
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, वेयर एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम लेस, 1836 टाइम लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि एटम में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास मतलब मैक्सिमम वजन कहाँ पर होगा, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं दो बादशाह, एक इलेक्ट्रॉन और एक सॉरी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास इनके मुकाबले ना के बराबर है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन many common observations like the different properties of charcoal, graphite and diamond, when all these substances are made up of the same type of atoms called carbon atom. तो इसने एक टर्म को जन्म दिया कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, okay? Existence of an element in different forms having same chemical properties, okay? सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जब किसने बोला था कि एक एलिमेंट्स के कितने भी रूप हो सब सेम होंगे, वो गलत साबित हो गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, ये फंडामेंटली चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री में और देख लेंगे फिलहाल। So, अगर कोई तुमसे पूछता है कि ये वाली प्रॉपर्टी क्यों डिस्कार्ड हो गई, तो आपका आंसर होगा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। इट इज हाउएवर नाउ नोन दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। Dalton's atomic theory said that atoms of different elements have different masses. It is known that atoms of different elements can have the same mass. Yes, ये वाला चीज उसको मिला, ये वाला point discard हुआ after the discovery of isobar. होता क्या है? Isobar का मतलब existence of an element in two or more forms, or you can say not like that. You can say the two elements having same mass number, ज़्यादा सही रहेगा, पहले वाला नहीं, having same mass number but different atomic number, उन्हें नाम दिया जाएगा isobar, same mass number. Example calcium और argon, दोनों का mass number 40 है, calcium का atomic number 20 है और argon का 18. तो ये कब डिस्कार्डेड हो गया? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, दैट इज इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म compound atoms or molecules. जैसा आप देख सकते हो डाल्टन्स के पोस्टुलेट थे, गलत कौन सा हुआ? ये सारे क्वेश्चन हमें टाइमली सॉल्व करना चाहिए, राइट? फिर आता है डेफिनेशन ऑफ एटम्स, व्हिच इज सिंपल। इसमें कभी कभी एमसीक्यू पूछ ले तो ध्यान रखना, 10^1 नैनोमीटर या 10^9 नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर, ओके। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है? तुमसे बोलेगा कॉपर का नाम कहां से मिला, इट इज सिप्रस। तुमसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पूछ लेगा, व्हाट इज दैट group known as, who has designed or assigned the names to these elements and all. फिर जैसे आपको जिंक है, ये अपने पास क्या नाम है, जैसे आयरन है, अब आयरन का
पहला लेटर वैसे आई है लेकिन सिंबल है Fe, क्योंकि ये कहाँ से आया, फेरम से पूछ लेगा। सोडियम Na है, कहाँ से आया, फ्रॉम नैट्रियम। पोटेशियम कैलियम है क्योंकि इसका निकनेम इसलिए के, यू नो लाइक दैट। ओके नाउ टू दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच वी मस्ट नो। इनिशियली जब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की कैलकुलेशन की बारी आई तो पहला प्रायोरिटी जो है वो दिया गया ऑक्सीजन को। दे मे आस्क यू व्हाई ऑक्सीजन इनिशियली सेलेक्टेड, सो दीज आर द टू रीजंस व्हिच वी कैन रीड राइट। आई एम मूविंग अप अ बिट। लेकिन फाइनली 1961 में कार्बन 12 को बॉस बनाया गया और उसके बेस पे सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला गया। सो व्हाट इज 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 112, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है। Normally, atoms of most elements are not able to exist independently. There are elements which can exist independently. They are called inert gas. Okay. What is molecule? Molecule is can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. Be careful. And atoms of same element or of different element. Same element, जैसे oxygen, oxygen मिलकर O2 बना. Different element, जैसे H2 और O मिलकर वाटर बना। Then sometimes they ask you, this is that, give an example of monoatomic, single atom, it's all inert gas. Die दिख रहा है आपको, try ये पूछता है। What is atomicity का definition पूछ लेता है, the number of atoms constituting a molecule। ये आपसे पूछ सकता, give an example of poly. टेट्रा मतलब चार, डाई मोनो फेनॉल। ये न्यूमेरिकल पहले बहुत अच्छे से आता था, फिलहाल अपन इसको होल्ड करते हैं। अदरवाइज दिस वाज अ नाइस न्यूमेरिकल, दिस डेज नॉट बीन डिस्कस्ड। देन व्हाट आर आयंस? आयंस आर द चार्ज पार्टिकल। मेटल हैज द टेंडेंसी टू डोनेट। अगर आपके बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्रोटोन का नंबर कभी नहीं बदलेगा, तो आप में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का नाम होता है कैटायन। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, देन दैट इज कॉल्ड एन आयन। सो वी आर होल्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ हियर, इट्स 2:00 राइट नाउ, 2 AM नाइट। विल कंटिन्यू विद दिस, होप दिस कैन हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जाम्स। राइट, okay, wait for my next video on this. Thank you.